नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने वाले हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, स्पेशली मकर संक्रांति के लिए रेसिपी लाई हूँ। फ्रेंड्स, तो आप वीडियो में बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं हम। इसके लिए हमने 120 ग्राम तिल ले लिया है। तिल को बढ़िया से साफ करके ले लेंगे ताकि इसमें कोई कंकड़ वगैरह ना हो। ये देसी तिल है तो इसमें थोड़ा सा कंकड़ वगैरह भी रहने का झंझट रहता है। तो इसको हमें 5 से 6 मिनट ही मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रोस्ट करना है ताकि हल्की ये कुरकुरी हो जाए। ज़्यादा नहीं इसको रोस्ट करेंगे, नहीं तो इसको ज़्यादा भूनेंगे ना तो दिक्कत ये होगा फ्रेंड्स कि जब हम इसको खाएंगे तो तिल में कड़वापन आ जाएगा। इसको रोस्ट करेंगे तो ये हल्की सी गोल्डन हो जाएंगी और थोड़ी इसके जो तिल के दाने हैं ये फूले फूले नज़र आने लगेंगे। तब तक ही इसको रोस्ट करना है और इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा इसके दाने हैं ना, हमको फूले फूले दिख रहे हैं। तो हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको हम दूसरी प्लेट में रख देंगे। कढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि कढ़ाई खुद ही ऑलरेडी इतनी गर्म रहती है, ये हमारी जो तिल है ना तो उसको और भी पूरा जला देगी नीचे से। तो अब हम उसी कढ़ाई में आधी कटोरी करीब घी ले लिया है, शुद्ध देसी घी 50 ग्राम करीब, ग्राम में देखेंगे तो 50 ग्राम घी ले लिया है और 150 ग्राम सूजी लिया है। सूजी आप मोटी पतली कोई भी ले सकते हैं। तो इसको हम बढ़िया से भूनेंगे। घी इसमें ऐड करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको हमें इतना भूनना है कि ये हल्की गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी। इसको कंटिन्यू नीचे से चलाते रहना है क्योंकि इसमें बराबरी से आँच लगना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ये जल जाएगी यदि ज़्यादा आँच लगेगी तो। तो इसको भी मीडियम टू स्लो गैस करके इसको कंटिन्यू भूनते रहना है। इसका गोल्डन कलर आते तक भूनना है और जब ये अच्छी भुन जाती है ना तो इससे सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है। तो ये देखिए, धीरे धीरे भुनकर रेडी हो रही है, हल्का इसमें गोल्डन कलर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें सारे मैं टिप्स शेयर करूँगी, क्योंकि कभी कभी लास्ट में हमारी जो ये स्वीट्स है ना वो बिगड़ भी जाती है। तो इसमें सारे टिप्स बताऊंगी कि आपको कैसे हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हमारी गोल्डन कलर की हो चुकी है, देखने में ही समझ में आ रही होगी आपको। तो इसको भी हमने जल्दी से दूसरी उसी वाली प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इस स्वीट्स को सेट करने के लिए आप जो भी प्लेट लेना चाहते हैं उसको आप बढ़िया से घी से ग्रीस कर दें। घी से यदि हम इसको अच्छे से ग्रीस करते हैं ना तो बाद में हमको स्वीट्स को निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती। यदि हम इसको ग्रीस नहीं करते हैं, घी नहीं लगाते हैं नीचे तो वो मिठाई को निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, निकलती नहीं है, नीचे जम ही जाती है। इसलिए प्लेट वगैरह को अच्छे से घी लगाकर ग्रीस कर लें। अब उसी कढ़ाई में हमने चीनी ले लिया है, जितना सूजी लिया है 150 ग्राम उतना ही चीनी लिया है। यदि आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और भी आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं, 200 ग्राम करीब चीनी डाल सकते हैं। तो उसी चीनी में, जिस कप से हमने चीनी लिया है उसी कप से आधा कप पानी ले लिया है। अब इसकी हमें चाशनी तैयार करनी है। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके इसको कंटिन्यू चलाते जाते हैं। आप देखेंगे कि ये चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी, बढ़िया से इसमें उबाल आने लगा है। और इसी समय हमको देखना है फ्रेंड्स कि इसकी कैसी चाशनी, मैं आपको बताऊंगी कि कैसी इसकी चाशनी परफेक्ट बनाकर तैयार करना है। इसके लिए आपको करना ये है कि आप ये स्पून है, स्पून में ही उससे देखिए लास्ट वाली ड्रॉप प्रॉपर गिर नहीं रही है, उसी में सेट हो रही ना, ऐसे एक लंबा सा तार नज़र आ रहा होगा। इस तरीके की चाशनी बनानी है, दो तार वगैरह की नहीं बनानी, ऐसी होनी चाहिए। तो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं और इसी समय ये जो भुनी हुई तिल और सूजी वो भून लिया था उसको इसमें ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हमको गैस का फ्लेम स्लो पर ही रखकर इसको 2 से 3 मिनट पकाना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होने लगेगा, और नहीं तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसको थोड़ी देर के लिए रखे रहने देंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। बस इसको कंटिन्यू चलाते जाएं। आप इसको चेक करना चाहते हैं तो एक प्लेट में भी निकाल कर देख लें थोड़ा सा क्वांटिटी, यदि वो बढ़िया सेट हो रही है उस प्लेट में तो ये परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। तो हमने इसको जिस प्लेट को हमने घी से ग्रीस कर दिया था उसी प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है ताकि ये सेट हो जाएगी। अब इसको आपको यदि गार्निश करनी है तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स जो भी आप अपने मनपसंद काजू बादाम ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने पिस्ता ऐड कर दिया है। अब पिस्ता को गरम गरम में ही इसमें सेट करने के लिए
आपके पास कोई भी स्पून या प्लेन सरफेस की जैसे कटोरी रहती है, तो कटोरी के पीछे वाले हिस्से से आप इसको प्रेस करेंगे या चम्मच से, तो ये बढ़िया से सेट हो जाएगी। आपको इसको गरम गरम में ही करना है ताकि ये अंदर पूरे जो मावा है वो सेट हो जाए। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा रख देते हैं ताकि ये हल्का ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसको शेप देना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो इसको गरम गरम में ही करना है। जैसे 10 से 15 मिनट बाद इसको हम कट करेंगे तो ये इसमें निशान लग जाएंगे और बाद में हमको निकालने में, ये पीसेस निकालने में आसानी होगी। तो हमने हल्का हल्का ही कट किया, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो उसका शेप भी बिगड़ सकता है। हल्का हल्का सा इसमें कट कर दिया है और इसको हम लगभग 30 से 35 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जब तक ये ठंडा ना हो जाए। ठंडा हो जाएगा तो ये बढ़िया सेट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से इसके पीसेस निकल कर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका मेन मेजरमेंट है कि आपको, जैसे कि आप नॉर्मल घर की कटोरी से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आप एक कटोरी सूजी लें और उसी कटोरी से आधी कटोरी से ज़्यादा और एक कटोरी से थोड़ा कम तेल लें, और जितना हमने सूजी लिया है एक कटोरी, उतना ही चीनी लिया है और उसी कप से आधा कप पानी लेंगे, तो आपकी ये परफेक्ट, बिल्कुल एकदम सॉलिड ये आपकी स्वीट्स बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। लाइक करना तो बनता है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जल्द ही हम नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।